नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की QA यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज, और इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में हम जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड और तथ्यों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर्टिकुलर आज के लेक्चर में हम जातिगत आंदोलन जो हुए थे उनमें से जो प्रमुख आंदोलन है जिसे अरबीपुरम आंदोलन या जस्टिस पार्टी आंदोलन जिसको द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की थी जिसने, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी हम डिस्कस करेंगे और तथ्य को भी शामिल करेंगे जो ये आंदोलन जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो नॉलेज स्ट्रीम के प्लेलिस्ट साइट में जाकर सेक्शन में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो है ना आधुनिक भारतीय इतिहास में विभिन्न टॉपिक विभिन्न विषयों पर 19 लेक्चर हैं, आप उनको देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने अभी तक नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। अरबीपुरम आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? बेसिकली हु वाज द पर्सन बिहाइंड द अरबीपुरम जो रेवोल्यूशन या हुआ था, अरबीपुरम मूवमेंट हुआ था, उसके पीछे जो पर्सन, ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी सी वी रमन पिल्लई, ऑप्शन सी ई वी रामास्वामी नेकर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो शायद हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो अरबीपुरम आंदोलन या अरबीपुरम मूवमेंट का जो जनक है वो श्री नारायण गुरु थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में केरल से अरबीपुरम आंदोलन की शुरुआत हुई और श्री नारायण गुरु ने की थी? बेसिकली ये साल पूछ रहा है जब अरबीपुरम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और वॉज लेड बाय श्री नारायण गुरु। और ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन में ही एक आंसर कि केरला से इनकी शुरुआत हुई थी, एक गांव है अरबीपुरम वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो उसी के अंदर गांव के नाम से ही इसका जो मूवमेंट का नाम है अरबीपुरम मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1891 में और ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो जो अरबीपुरम मूवमेंट आंदोलन शुरू हुआ था जिसको नारायण गुरु ने शुरू किया था वो केरल से सन 1888 में शुरू हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक एक तरफ आपको मूवमेंट दे दिए डिफरेंट और दूसरी तरफ ईयर दे दिए किस साल शुरू हुए थे, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल के जो एग्जाम्स हैं उसमें जो मैचिंग के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1888 में अरबीपुरम आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से? केरला से। किसने शुरू किया था? श्री नारायण गुरु ने। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। श्री नारायण गुरु ने किस समुदाय पर पारंपरिक रूप से लगाए गए धार्मिक प्रतिबंधों को खारिज कर दिया था? बेसिकली इस मूवमेंट के पीछे स्टोरी यह है कि जो हायर कास्ट पीपल थे वो उनको मंदिर जाने के लिए रोका करते थे, टेंपल एंट्री बेसिकली मूवमेंट था ये भी, और इसमें एक शिव का टेम्पल था जिसमें इस पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को अलाउड नहीं था उस शिव के टेम्पल में जाने के लिए। तो उसी पर्टिकुलर समुदाय के बारे में क्वेश्चन है कि वो कौन सा समुदाय था। ऑप्शन देख लेते हैं। इजवा जिसे इरवास समुदाय भी बोलते हैं, ऑप्शन बी नायर समुदाय, ऑप्शन सी नादर समुदाय और ऑप्शन डी उसमें से कोई नहीं। तो जो श्री नारायण गुरु ने अरबीपुरम आंदोलन शुरू किया था, अरबीपुरम मूवमेंट स्टार्ट किया था नारायण गुरु द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो पर्टिकुलरली समुदाय जिस पर टेम्पल एंट्री प्रतिबंध थे वो था इजवा और इरवास समुदाय। इस समुदाय के ऊपर टेम्पल एंट्री प्रतिबंध थे तो उन्होंने उसी के खिलाफ इस समुदाय को सपोर्ट करने के लिए, जो कि वो खुद भी इसी समुदाय से बिलोंग करते थे, ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इजवा इरवास समुदाय। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पद्मनाभन पापू ने एक संगठन की शुरुआत की या संगठन की स्थापना की जिसे श्री नारायण धर्म परिपालना योगम के नाम से जाना जाता है, यानी श्री नारायण गुरु के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम और उनके जो संस्थापक हैं वो भी पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। तो श्री नारायण धर्म परिपालना योगम की शुरुआत किसने की थी? श्री नारायण गुरु ने और पद्मनाभन पापू ने की थी। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1900 में, बी 1903 में,
सी 1905 में और डी 1907 में। तो ये जो श्री नारायण धन परिपालना योगम है, इसे SNDP या शॉर्ट में बोल देते हैं, SNDP उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये स्टार्ट किया था श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पद्मनाभन पापू ने 1903 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1903। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किन्होंने मध्यवर्ती जातियों की ओर से जस्टिस पार्टी आंदोलन, जिसे द्रविड़ आंदोलन की जननी भी कहा जाता है, उसको शुरुआत की थी? तो बेसिकली जस्टिस पार्टी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसको द्रविड़ आंदोलन की जननी भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर TM नायर, सेकंड है पी त्यागराजा चेट्टी, थर्ड है CN मुदलियर, फोर्थ है CV रमन पिल्लई। तो इनमें से किन लोगों ने जस्टिस पार्टी आंदोलन शुरुआत किया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए केवल एक, बी एक और दो सही है, सी 1, 2, 3 सही है और डी सभी 4 सही है। तो यहाँ पर जो एक बात जान लेते हैं, जो जस्टिस पार्टी आंदोलन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन की जो प्लेस है, स्थान है, वो मद्रास, जो तमिलनाडु के नाम से आजकल हम जानते हैं, और वहीं पर ही द्रविड़ आंदोलन की जननी हुई थी और इसी को ही बोला जाता है द्रविड़ आंदोलन की जननी, यहाँ से शुरुआत हुई थी। और जो प्रमुख लोग थे जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़े, वो TM नायर थे, डॉक्टर TM नायर, पी त्यागराजा चेट्टी थे और CN मुदलियर थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो TM नायर, पी त्यागराजा चेट्टी और CN मुदलियर, इन्होंने ही जस्टिस पार्टी आंदोलन शुरुआत की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे CV रमन पिल्लई, जो नायर मूवमेंट हुआ था उससे जुड़े हुए थे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में जस्टिस पार्टी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया? यहाँ जो ईयर पूछ रहा है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन, जैसा हमने अभी पढ़ा था TM नायर, पी त्यागराज चेट्टी और CN मुदलियर, इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये कब किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए 1910 में किया था, बी 1916 में किया था, सी 1920 में और डी 1925 में। तो ये जस्टिस पार्टी आंदोलन शुरू हुआ था वो 1916 में हुआ था, और जैसे कि अभी डिस्कस किया, जो शुरुआत की थी, और यही से द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत हुई। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 1916। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर TM नायर, पी त्यागराजा चेट्टी और पानागल के राजा ने मिलकर साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया, जिसे जाना जाता था, मतलब उसका दूसरा नाम भी होगा साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। इसके पीछे जो लोग थे वो TM नायर, पी त्यागराजा चेट्टी और पानागल के राजा थे। ऑप्शन देख लेते हैं, समता पार्टी, बी जस्टिस पार्टी, सी जनमत पार्टी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन है, इसी को ही जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता है। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ बेसिकली वो भी जस्टिस पार्टी के नाम से ही जस्टिस पार्टी मूवमेंट बोला जाता है। तो साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन भी जस्टिस पार्टी को ही कहते थे। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी जस्टिस पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में दक्षिण भारतीय लिबरेशन फेडरेशन या साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया गया था, जो बाद में जस्टिस पार्टी के रूप में जानी जाती थी? तो ईयर पूछ रहा है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो इसका जो गठन किया गया था वो 1916 में ही किया गया था, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1916। इस तरीके से दोस्तों आज हमने जो प्रमुख मूवमेंट हुए थे, आरवीपुरम मूवमेंट और जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट हुए थे साउथ इंडियन से, जस्टिस पार्टी मूवमेंट और दोनों लोग जुड़े हुए, एक केरला से दूसरा मद्रास से, इस तरीके से हमने आज जातिगत आंदोलन के अंतर्गत दो मूवमेंट के बारे में जाना, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी जाने, और उनके बारे में और तथ्यों को भी जाना। इस तरीके से आपको लेक्चर कैसा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।